Namaskar, learners and viewers, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all very warmly to our live and interactive session. You are watching us on eVidya channel number 10. When I say channel number 10, this means that this particular session is specially meant for our students of class 10. Today, the subject that we have taken up is mathematics and the topic that we are going to discuss is applications of trigonometry part 2. सो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्लास 10 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज वो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी हुई कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे समझेंगे लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि कौन है आज हमारे साथ जो हमें इस पूरे टॉपिक के बारे में समझाएंगे सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर आवर फोन नंबर विद यू ऑफकोर्स प्लीज़ टेक डाउन आवर फोन नंबर इट इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन एज वेल It is 8800440559. Also, you can drop us an email with your questions and queries. The email ID is flashing on your screen. This is tth.class10@ciet.nic.in. तो चलिए अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारी एक्सपर्ट से. आज हमारे साथ है मिस सविता ग्रग. She is academic coordinator from Gita Niketan Avasiya Vidyalay. सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र वेलकम टू द सेशन मैम जी नमस्कार हरप्रीत जी नमस्ते मैम मैम आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू और जैसा कि मैंने अपने लर्नर्स और व्यूवर्स को बताया कि आज हम कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो बहुत प्रैक्टिकल है और हम अपनी डेली लाइफ में या डे टू डे लाइफ में देखते हैं लेकिन इससे पहले कि मैम हम उस कॉन्सेप्ट को समझें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आज हम पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं तो पार्ट वन में हमने क्या डिस्कस किया था इसका थोड़ा सा ब्रीफ प्लीज हमारे साथ शेयर करें जी हरप्रीत जी बिल्कुल जैसा कि आपने बोला कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये सब चीजें सीखते हैं तो डियर व्यूअर्स आपको किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपको किसी टावर की हाइट निकालनी है आपको किसी टावर का किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्री सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किया था बेसिकली देयर आर टू थिंग्स विच वी शुड नो द फर्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द सेकेंड थिंग इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हमने बात की थी कि वेन एवर वी आर व्यूइंग एनीथिंग अबव आर आई लेवल इससे ऊपर कुछ भी देखते हैं सो दैट इज नॉन एज वहां पर जो एंगल फ्रेम हो रहा है दैट इज नॉन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन और अगर अपने आई लेवल से कुछ भी नीचे की तरफ देखते हैं जैसे ग्राउंड पर कोई बॉल पड़ी है या आप नीचे कुछ भी आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर खड़े हैं आप टॉप मोस्ट पर खड़े हो और नीचे रोड से कोई भी गाड़ी खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है यू आर व्यूइंग दैट तो ऊपर से नीचे जब भी आप देख रहे हैं दैट इज नॉन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन अदरवाइज अगर आप अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं दैट इज नॉन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन ओके एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन को डिस्कस करने के बाद लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अबाउट विच यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की अगर हम बात करें सो इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट थीटा फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ 30 डिग्री सो दैट वैल्यू इज 2 सिमिलरली बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी वैल्यूज हम वेरियस पॉइंट्स पर अपनी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं आपको किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपको गिवन है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऑन द ग्राउंड उस बिल्डिंग के बॉटम का डिस्टेंस कितना है तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए यू विल हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट थीटा एंड द एंगल विल आल्सो बी गिवन टू यू देन विद द हेल्प ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री दीज ऑल एंगल्स एंड दीज वैल्यूज वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दीज ऑल थिंग्स वेरी इजीली Let us start discussing it with the help of a few questions. The very first question here on our screen, it is, the question is an aeroplane at an altitude of 200 meters. So let us read this statement again.
एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एरोप्लेन इज डेफिनेटली दैट इज फ्लाइंग इन द स्काई और ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, दो अपोजिट पॉइंट्स. अपोजिट पॉइंट्स मीन्स अगर आप एल्टीट्यूड ले रहे हैं दिस इज 200 मीटर, सो वन पॉइंट इज ऑन द अदर साइड एंड द अदर पॉइंट इज ऑन द अदर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्टीट्यूड. सो वी हैव टेकन टू पॉइंट, द वन फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट बी एंड द अदर पॉइंट इज पॉइंट सी एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट दिस पॉइंट ए. हम इन दोनों ही पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ए. तो इन बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस एंगल ऑफ डिप्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है. इन अ प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस इन विच वी हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस यूजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन. हियर इट इज ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर. ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं यानी कि पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दीज आर द बैंक्स ऑफ अ रिवर. यानी कि अगर हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द रिवर, सो डेफिनेटली हमें कैलकुलेट करनी है द लेंथ बी सी. सो बी से सी तक की लेंथ अगर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, डेफिनेटली वी विल सपोज दिस पॉइंट टू बी पॉइंट पी और पॉइंट डी. यू कैन नेम इट अकॉर्डिंग टू यू ऑन योर ऑन. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पी देन पी सी एंड एट द एंड वी विल एड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज टू बी विद आवर फाइनल आंसर. सो हियर इट इज गिवन दैट फ्रॉम पॉइंट ए इफ यू आर ऑब्जर्विंग द फर्स्ट बैंक देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन टू बी 45 डिग्री. And from point C, 4 point C, the angle of depression is given to be 60 degree. So dear viewers, if the angle of depression is given to be 45 degree or 60 degree or whatsoever, and this is the ground level, which is parallel to the eye level of the observer. So definitely, because these two lines are parallel to each other, then this angle will also be 45 degree. And the reason behind that is alternative interior angles. So after discussing this, let us start solving our question. So the question here is find the width of the river. Check कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी दो right angle triangles यहाँ पर frame हो रही हैं. The first right angle triangle is triangle APB. And if we observe in triangle APB, then in this triangle we can clearly see that AP divided by BP equals tangent 45 degree, because the base angle has been framed here at point B. This is 45 degree due to this angle is 45, this is 60 because this angle is given to be 60 degree. So what is the value of AP? That is already given to us, 200 meter. BP we need to calculate it, tangent 45 degree आप table की help से value put कर सकते हैं, that is 1. So with the help of the information up to here, we are able to write that BP equals to 200 meter. And after writing this, let us proceed towards the other right angle triangle, which is triangle ACP. And if you observe the triangle ACP, so this is your ACP triangle, and in this triangle it is clearly visible that AP is again the perpendicular, and we have to find the value of CP. So फिर से हमें tangent theta की help लेनी है. It will be AP divided by BP equals to tangent, the angle will be 60 degree this time. Now AP divided by BP is equal to what? That is equals to under root 3, because the value of 1060 is root 3. And from here you can easily say that BP equals 200 divided by root 3 meter, because one unit AP is given to be in meter, so all the units will be the same. Now we have to find the width of the river. Definitely width of the river is BP plus PC, which is 200 plus 200 upon root 3 meter, and this is our final answer. As we have also discussed earlier, that it can also be rewritten as 200 root 3 divided by 3, or you can also take 3 as LCM. So it is 600 plus 200 root 3 whole divided by 3 meter. This is the final answer, or 200 can also be taken common from here. So our final answer or the width of the river is 200 into 3 plus under root 3
4 डिवाइड बाय 3 मीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर. ऑलराइट, सिमिलरली वी कैन सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अगेन फ्रॉम द सेम टाइप. या द क्वेश्चन हियर इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हील. दिस टाइम हील इज गिवन टू अस फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉप टू रियल लाइफ objects are there. One is hill, other is the tower, and it has been given that the angle of elevation of the top of a hill from the foot of a tower is 60 degree. Till now we have taken two things, one is AB, other is CD. One of these is representing the hill and the other is representing the tower. Let us see and observe carefully that the height of which of these will be more or which of these will be less than the other. So how can we be able to understand that? Let us see that carefully. आपको दिया गया है कि top of the hill के लिए angle of elevation from the foot of the tower is given to be 60. So this is the foot of the tower, that is point A. और यहाँ से जब हम hill के top point B को observe करते हैं, at that time the angle is given to be 60 degree. Okay, and the angle of elevation of the top of the tower is this AB. अगर आप AB के top most point B को observe करते हैं from the foot of the tower, that is from point C, in that case the angle is given to be 30 degree. अभी इन दोनों को ही observe करते हुए हम समझते हैं कि यहाँ पर CD की हाइट को ज़्यादा क्यों लिया गया, या आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ टावर को हाइट ऑफ हिल से ज़्यादा क्यों लिया गया. वो हमें कैसे समझ आता है? दी एंगल हेल्प अस टू टेल द सेम. सी, इफ इट इज 30 डिग्री देन द स्लोप विल बी समहाउ लोअर. इफ द एंगल इज गेटिंग टू बी ग्रेटर, अगर आप 30 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा 40 डिग्री देन 45 देन 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है स्लोप ऑफ दिस लाइन इंक्रीज होती है. सो दैट्स वाई दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री. डेफिनेटली द टावर हैज टू बी हायर देन द हील. ऑल राइट, फर्दर हमें गिवन है दैट द टावर इज 50 मीटर हायर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हील फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. Okay, top of the hill from the foot of the tower is 60 degree. That means this is representing the hill. This is given to be 60 degree. The 60 degree angle has been given for the top of the hill. That's why jo hill hai wo hamare tower se zyada unchi hai. Alright, and the angle for the same is given to be 60 degree. In the second sentence, आपको दिया गया है कि टॉप ऑफ द टावर को अगर ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द हील, इन दैट केस द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. दैट्स व्हाई जो टावर है उसकी हाइट हील की हाइट से कम है, और वो हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50 मीटर. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द हील, यानी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज द वैल्यू ऑफ CD, and let us suppose that to be x meter. Now let us observe कि कौन कौन सी right angle triangles यहाँ पर frame हो रही हैं. इस तरह के questions को solve करने के लिए ये must है कि हम right angle triangles की help लेंगे. Definitely heel जो है वो ground के साथ 90 degree का angle बना रही है, और आपका tower भी 90 degree का angle ही frame कर रहा है with the ground. All right, so if we see the triangle ABC, यानी with the help of the tower जो triangle frame हो रही है, अगर हम इस triangle को observe करते हैं, so हमें पता है कि AB is already given to us. AC is the distance between the two things, two objects. That is equals to tangent 30 degree. Because in triangle ABC, आपका जो base angle है, that has been framed at point C, so that is 30 degree. That's why you have taken the same angle. It is 50 divided by AC equals 1 upon root 3. And with the help of this same, हमारे पास AC की value है 50 root 3 meter.
इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द हील. समटाइम्स एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हील एंड द टॉप. सो फॉर दैट द आंसर इज द वैल्यू ऑफ दिस ए सी बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और दीज टू थिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ द सेम. जैसे ही हमने ए सी को कैलकुलेट किया now we can see that in the other triangle that is in triangle ACD hum easily base ki knowledge hone ki wajah se means we do have the height CD we do have the base AC we know the base angle 60 degree so CD hamare paas nahi tha humne use x assume kiya you will put that value here and then हमारे पास x अपॉन ए सी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की विच इज गिविंग अस 50√3 इक्वल्स टेंजेंट 60 विच इज √3 एंड ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू आर हियर विद योर आंसर दैट x इक्वल्स टू 150 मीटर. ऑल राइट, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स एंड आई होप बहुत ही अच्छे से आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं. And if you are finding any difficulty in solving such type of questions, you can share your problems with us right now, or you can also share your problems with us with the help of the mail as that has already been told to you. Now let us proceed towards the next question. The next question is the angle of depression. In this question, the angle of depression is given to you. इसी तरह के बहुत से questions ही हमें solve करने हैं. और ऑन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पर होता है. जैसा कि कुछ मीम्स बनाए जाते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता कहाँ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट जो हैं वो कैसे रियल लाइफ में यूज़ होते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं. द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम. दिस टाइम एक ही बिल्डिंग के टॉप को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बॉटम को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन समझना ये है कि दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रेम हो रहा है. यानी कि आप बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को एक ऐसे पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो इन दोनों से और ज़्यादा हाइट पर है, और ज़्यादा हाइट पर होने के कारण ही एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रेम हो रहा है. द बिल्डिंग्स हाइट इज गिवन टू बी 50 मीटर. सो लेट अस सपोज ए बी टू बी द बिल्डिंग. वी हैव बीन गिवन दैट ए बी इक्वल्स 50 मीटर विच इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. एंड दिस हैज बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. सो इट इज क्लियर दैट सी ई रिप्रेजेंटिंग a tower and the angle of depressions are 30 degree and 60 degree. Definitely top के लिए जो angle frame हो रहा है that is lesser than the other angle which is 60 degree here. So this will be 30 degree and for the bottom of this building the angle will be 60 degree. So this is 30 and 60 degree. All right. बिकॉज दिस इज 30, देयरफॉर दिस बेस एंगल विल ऑल्सो बी 30, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइन ई एफ फ्रेम हो रही है, दिस ई एफ इज पैरेलल टू ए डी एज वेल एज बी सी, देयरफॉर ई ए डी एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री. सिमिलरली एंगल ई बी सी दैट विल बी 60 डिग्री एंड द रीजन इज दीज आर रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. Now which two right angle triangles are here, but before that let us see हमें calculate क्या करना है. We need to find the height of the tower. This is the tower. ये clear है कि यहाँ पर जितनी भी height A से point B तक है उतनी ही height point C से point D तक है, यानी कि that is 50. और ऊपर का जो distance है DE, we have supposed that to be y, so it is clear that the height of the tower is CE, that will be 50 plus y. So our next task is to find the value of this y. Let us observe both of the right angle triangles. Search for the right angle triangles here. The one of the triangle is triangle A
ED. If we observe this triangle AED, it is clearly visible that y upon x equals tangent 30 degree. From here, we are not able to find the value of y or x, but we are able to find the relationship between x and y. टिल नाउ आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वन ऑफ द इक्वेशन की हेल्प से आपके पास कोई भी एक वेरिएबल कैलकुलेट हो रहा था, बट यहाँ पर वी गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. हमारा फोकस रहेगा दैट हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स भी कैलकुलेट करनी है एंड वैल्यू ऑफ वाई भी कैलकुलेट करनी है, सो दैट आप फाइंड आउट कर सकें दिस वैल्यू सी ई. So let us proceed ahead towards the other triangle, which is triangle BCE. Observe it carefully. This is BCE triangle. BCE triangle में हम लिख सकते हैं 50 plus y again perpendicular divided by x equals tangent 60 degree. On solving the same, we are able to write that 50 plus y equals root 3 into, root 3 is the value of 1060, into the value of x, and that value can be substituted as root 3y. On solving this equation, we are able to find the value of y, which is 25. Definitely the value of x will be 25 root 3. That means the distance between the building and the tower, that is 25 root 3, and the height of the tower is 50 plus y, or you can say 50 plus 25, which is providing us 75 meter. All right, तो इस तरह से आप various questions को पढ़ते हुए बहुत easily concept की knowledge और depth में ले पाएंगे. Let us proceed ahead the next question. This time the question is somehow you can say higher order thinking skill based questions. आपको angles की values clearly given नहीं है, आपको angles 30 degree, 45 degree, 60 degree नहीं given, but the base angles are given to be alpha and beta. With the help of the figure, it is clearly visible, and let us read the statement as well. In the statement, it is clear that a vertical tower stands on a horizontal plane and it is surmounted by a vertical flagstaff of height h meter. आपको पहले एक टावर गिवन है which is BC. टावर की हाइट कितनी है that is not given. So we have supposed that to be y units. This time meter, centimeter, kilometer आपके पास unit नहीं है, तो आपने y units assume किया. लेकिन flagstaff की हाइट है h meter. यानी the value of AB is given to be h meter. BC हमारे पास नहीं था, we have supposed that to be h units and this is y units, not meter. Oh, meter is given to you, so that unit can be taken as meter. All right, further it is h meter and this is y meter as we have supposed. Question is calculate kya karna hai, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is alpha. Okay, this angle is given to be alpha and the angle of elevation of the top of the flagstaff is given to be beta. All right, और हमें प्रूव करना है दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर यानी कि वैल्यू ऑफ वाई हमें कैलकुलेट करनी है. वी नीड टू शो दैट वाई इक्वल्स टू एच इंटू टेंजेंट अल्फा होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा. लेट अस री रीड इट. वी हैव बीन गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम इज अल्फा, सो दिस इज द बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टाफ. This is the top of the flagstaff. So for the bottom, the angle is given to be alpha. And for the top, the angle is given to be beta. हमें height of the tower को calculate करते हुए ये कैसे हम दिखा सकते हैं? For that, it will be quite easier that to prove this particular thing, let us only and only calculate the value of tan alpha and tan beta. And let us put the values in the right hand side.
and on solving the same you will be able to get y only. So first the triangle BCD, in this triangle we have y upon x equals tan alpha. In the same way, if you take the other triangle, that is triangle ACD, definitely right angle triangle hi hame lekar chalni hai. In this triangle we have h plus y divided by x equals tangent beta. Ma'am, I'm so sorry. Right hand side and you can put the values there. Ma'am, I have to interrupt you here. We are left with very little time. So, main aapse request karungi, quickly aap is question ko wrap up kare. All right, Harpreet ji. This is the very last question for our today's session. And we just have to put the values of tangent alpha and tangent beta in the right hand side. So, this is h into y upon x. Whole divided by, in place of tan beta, it will be h plus y upon x minus y upon x. On solving this particular equation, you can see that here, dear viewers, this is h y upon x whole divided by h plus y minus y upon x. Y is cancelled here, x is cancelled, and you have h y upon h. That means you do have y, and in the beginning we have supposed that y is the height of the tower. So the same you have to prove. This is all for today, and we have done many questions related to the angle of elevation, angle of depression from the topic applications of trigonometry. I would like you all to solve many more questions and to share your problems with us. Thank you. Thank you so much, Savita ma'am, for your valuable contribution to this session. So viewers and learners, today we discussed applications of trigonometry part 2. Ma'am, thank you for being with us. Thank you. Well, it's now time for me to wrap up this particular session. But before I leave, let me tell you very quickly that the next session will be on the topic agriculture. So do watch it. Aur jaane se pehle, आपको एक और ज़रूरी सूचना रिगार्डिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स दैट आर अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री. यू कैन प्लेस द ऑनलाइन ऑर्डर एज वेल एज यू कैन गो टू द फिजिकल सेल्स काउंटर एंड यू कैन परचेज द बुक्स डायरेक्टली. अगर आप इन बुक्स की पीडीएफ वर्जन या सॉफ्ट कॉपीज को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन ऑल्सो वट यू कैन डू, आप एनसीईआरटी वेबसाइट, दीक्षा ऐप या ई पाठशाला में जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. So now it's a wrap for this session. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. Namaskar.